वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा निटर। ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कंप्लीट निटिंग कोर्स का 9th पार्ट नवा भाग लेकर आई हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको फंदे घटाना बताऊँगी। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको फंदे बढ़ाना बताया था कि हम फंदे किस तरह से बढ़ा सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको फंदे घटाना बताऊँगी। फ्रेंड्स, फंदे हम 3 तरह से घटाते हैं। एक, जब हम डिज़ाइन बनाते हैं तो बीच में जगह जगह पर फंदे, 2 फंदों का एक फंदा करते जाते हैं। जैसे यहाँ पर कहीं पर भी हमने 2 फंदों को एक साथ बुन लेना होता है, तो वो हमारे डिज़ाइन में एक तरह से फंदे एक घट जाते हैं। और एक हम जो वी गला बनाते हैं तो उसमें हम फंदे घटाते हैं, और एक हम पूरे फंदों को बंद करते हैं, एक तरीका वो है फंदे घटाने का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वी गला में हम फंदे किस तरह से घटाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वी गला में हमने जैसे कि स्टार्टिंग में रॉक स्टार्टिंग में हमने फंदे घटाने होते हैं, उसके बाद हम सारे फंदे बुनेंगे, और रॉन्ग साइड से भी आपने सारे फंदे बुन के आने हैं, और वापस से हमने इसी साइड आकर फिर फंदे घटाने होते हैं। देखिए, जैसे देखिए, एक दो फंदों का यहाँ पर हमने एक फंदा कर दिया, सीधा फंदा बुनते हुए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। और अब हमने बाकी के सारे फंदों को सीधा बुनते हुए इस तरह को कंप्लीट कर लेना है। गले को बनाते वक्त, वी गले को बनाते वक्त हमने बीच में कहीं पर भी फंदे नहीं घटाने होते, हम सिर्फ शुरुआत में 2 फंदों का एक फंदा करते हैं, उसके बाद हमने सारे फंदों को सिंपली बुनना होता है इस तरह से, या जो भी आपकी डिजाइन है अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग आप सारे फंदों को बुन लीजिए। हम इस रॉ को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये रॉ कंप्लीट कर ली है राइट साइड से। अब हम रॉन्ग साइड पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर हमने पहला फंदा स्लिप कर लेना है, और जो बाकी के सारे फंदे हैं इन्हें उल्टा बुनते हुए हम रॉन्ग साइड की रॉ को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रॉन्ग साइड की रॉ कंप्लीट हो गई। अब हम आ जाते हैं वापस से राइट साइड पर। तो देखिए, यहाँ पर हम वापस से 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। देखिए, एक दो फंदों में इस तरह सिलाई डालेंगे और 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। ये देखिए, तो इसी तरह से हमने वी गला हटाना है। हर रॉ के स्टार्टिंग में एक बार हमने फंदे घटा लेने हैं, तो उसके बाद हमने उस रॉ को कंप्लीट करना है और रॉन्ग साइड की रॉ को कंप्लीट करना है। यानी कि हर 2 सिलाइयों पर हम एक फंदा घटाएंगे, और सिर्फ रॉ के स्टार्टिंग में घटाएंगे। देखिए, 2 फंदों का एक फंदा कर लिया। अब बाकी के जो सारे फंदे हैं इन्हें सीधा बुन लेंगे इस तरह से। तो इस रॉ को कंप्लीट कर लेती हूँ, और रॉन्ग साइड से उल्टे फंदे बुनते हुए मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, इसी तरह से हमने वी गले में फंदे घटाने होते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा ये इस तरह से फंदा घट चुका है। देखिए, हमने यहाँ से घटाना शुरू किया था, ये देख सकते हैं बिल्कुल तिरछे में घट रहा है। तो इसी तरह से हमने, जब तक हमारे मुड्ढे के फंदे न आ जाएँ तब तक हमने वी गले में फंदे घटाने होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपने 22 फंदे मुड्ढे में रखने हैं, तो 22 फंदों को छोड़ के आपने इसी तरह से बाकी के जो सारे फंदे बचे हैं उनको आपने घटा लेना है, तो हमारा वी गला जो है घट जाता है। अब मैं आपको फंदों को बंद करना बताऊंगी कि हमने सारे फंदों को एक साथ जो बंद करते हैं तो उसे हम कैसे करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये एक दो, देखिए इन 2 फंदों में इस तरह से पीछे की तरफ सिलाई डालेंगे ऐसे, और इन्हें सीधा बुन लेंगे ये इस तरह से। अब देखिए, जो एक फंदा ये हमारे पास बचा हुआ है, इसे हम वापस से इसी सिलाई पर ले लेंगे, जो हमने बुना था इसे वापस सिलाई पर लेंगे। अब एक फंदा ये और एक फंदा ये, अब इन 2 फंदों में हम सिलाई डालेंगे इस तरह से पीछे की तरफ। देखिए, इस तरह से पीछे की तरफ डाला, और फिर से इसे हम सीधा बुन लेंगे। ये देखिए, अब जो ये फंदा हमारे पास बुन के आया है, इसे हम वापस इस सिलाई पर ले लेंगे। फिर से देखिए, ये वाला फंदा और ये फंदा, इन 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। देखिए, इस तरह से दोनों में सिलाई डालेंगे, और इस तरह से 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे। अब ये वाला फंदा वापस से इस सिलाई पर ले लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम जो है फंदे इसी तरह से घटाते जाएंगे। देखिए, बिल्कुल यहाँ पे खूबसूरत सी हमारी चैन सी बन गई है। तो देखिए, एक दो, इन 2 फंदों में इस तरह सिलाई डालेंगे पीछे की तरफ, और 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे। देखिए ये वाला, और ये फंदा वापस से इस सिलाई पर ले लेंगे ऐसे। देखिए फ्रेंड्स, हमने सामने से भी घटा सकते हैं, लेकिन हम सामने से क्यों नहीं घटा रहे। देखिए, इस तरह से सिलाई डालकर भी आप फंदों को घटा सकते हैं।
लेकिन हम क्यों नहीं घटाते वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अब देखिए इस तरह सिलाई डालकर हमने जब दो फंदों का एक फंदा करेंगे तो देखिए मैं दो तीन बार करके दिखाती हूँ आपको। देखिए ये वाला जो बचा हुआ फंदा है वापस सिलाई पर लेंगे और फिर से सामने की तरफ सिलाई डालेंगे और दो फंदा का एक फंदा करेंगे, सिलाई पर लेंगे और दो फंदों का एक फंदा करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स जब हमने इस तरह से फंदे घटाए तो यहाँ पर जो हमारी जो चैन टाइप आ रही है, देखिए सामने की तरफ से घटाने पर यहाँ पर हमारी कोई चैन नहीं बन रही है, और जब पीछे की तरफ हम फंदे सिलाई डालकर घटाते हैं तो देखिए यहाँ पर ये चैन बनती है और ये देखने में खूबसूरत लगती है। देखिए इसे मैं खोल देती हूँ क्योंकि ये अच्छा नहीं है। तो देखिए ये फंदा वापस सिलाई पर लेंगे और इस तरह से हम पीछे की तरफ सिलाई डालते हुए दो फंदों का एक फंदा करेंगे, फंदे को वापस सिलाई पर लेंगे, पीछे की तरफ सिलाई डालेंगे, दो फंदों का एक फंदा करेंगे। और देखिए यहाँ पर हमारी ये प्यारी सी चैन बन रही है जब हम इस तरह से फंदे घटाते हैं। तो इसी तरह से आप किसी भी प्रोजेक्ट में जब आपको फंदे घटाने हों तो आप फंदे घटा सकते हैं। और इन फंदों को घटाने का, सारे फंदों को एक साथ घटाने का एक और तरीका भी है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स हमने सारे फंदों को वापस से खोल लिया है और अब मैं सभी फंदों को एक साथ बंद करने का एक और दूसरा तरीका जो है वो बताने वाली हूँ। तो देखिए कैसे करेंगे, आपने स्टार्टिंग में एक फंदा सीधा बुन लेना है, देखिए इस तरह से। अब इसके बाद मैं एक फंदा और बुन लूँगी, तो देखिए इस तरह से आपने दो फंदे सीधे बुनने हैं। अब देखिए जो पहला वाला फंदा है इससे हम ये दूसरे फंदे के ऊपर इस तरह से गिरा देंगे। अब देखिए यही हमने करना है, एक फंदा सीधा बनाएंगे और जो पीछे वाला फंदा है इसे इस तरह से लेकर इस पहले वाले फंदे के ऊपर इस तरह से गिरा देंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे और जो पीछे का फंदा है ये इस वाले फंदे के ऊपर गिरा देंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग में आपने दो फंदे बुनने हैं लेकिन उसके बाद आपने सिर्फ एक फंदे बुनने हैं इस तरह से, और पीछे वाला फंदा लेकर ये पहले वाले फंदे के ऊपर आपने उतार देना है। देखिए एक फंदे बुनेंगे और जो पीछे का फंदा है इसे इस वाले फंदे के ऊपर से इस तरह से उतार देंगे। एक फंदा सीधा बनाएंगे और जो ये वाला फंदा है इसे इस वाले फंदे के ऊपर इस तरह से उतार देंगे। तो देखिए इसमें भी बहुत ही प्यारी सी चैन बन रही है और इसमें भी फंदे बहुत ही आसानी से घट जा रहे हैं। तो आपने सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में आपने दो फंदे सीधे बनाने हैं लेकिन उसके बाद आपने एक फंदा सीधा बुनना है और उसके पीछे वाला फंदा जो है, देखिए ये वाला फंदा इस वाले फंदे के ऊपर से उतार देना है, गिरा देना है इस तरह से। ये देखिए इसी तरह से हमने सारे फंदों को बंद कर लेना है और लास्ट में कैसे करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सारे फंदों को बंद करने के बाद देखिए फ्रेंड्स हमने सारे फंदों को यहाँ पर घटा लिया है, ये घट चुके हैं इस तरह से देखिए। और अब यहाँ पर हमारे पास एक फंदा ये बुना हुआ है इस वाली सिलाई पर और इस वाली सिलाई पर हमारे पास एक फंदा बचा हुआ है। देखिए इस फंदे को हम सीधा बना लेंगे, ये पीछे वाला फंदा हम इस वाली फंदे के ऊपर गिरा देंगे। और अब हमने अपने थ्रेड को कट कर लेना है, हमने थ्रेड कट कर लिया है, अपना ऊन कट कर लिया है। तो अब यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा बड़ा करेंगे फंदे को इस तरह से, और इसके बीच देखिए सिलाई को हटाकर इस तरह से ये जो धागा है ऐसे निकाल लेंगे। एक बार फिर से आपको दिखाती हूँ, ये हमने देखिए फंदे को इतना बड़ा कर लिया है, अब इसी फंदे के बीच से हमने ये धागा निकालना है। तो देखिए सिलाई इस तरह से फंदे के बीच में डालेंगे और ये धागा इस तरह से बाहर कर लेंगे और अब इसे खींच देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमारी एक अच्छी सी नॉट लग जाएगी जो खुलेगी नहीं, और हमारे देखिए फंदे इस तरह से बंद हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कंप्लीट निटिंग कोर्स में अगर कोई भी चीज़ छूट रही हो जो मैंने आपको न बताया हो तो आप हमसे कमेंट करके उसकी डिमांड कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी फरमाइशों को पूरा करने की। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।